दादी एक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आईबॉल के लाइन बीटी की साउंड टेस्ट और रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें पैकेट में हमें क्या सारी चीजें मिली थी। तो पैकेट में हमें दो स्पीकर्स मिले थे, एक वूफर मिला था, साथ में आपको एक रिमोट कंट्रोल और एक 80 to 3.5 mm वायर, साथ में एक वारंटी कार्ड मिली थी जिसमें स्पेसिफिकेशन वगैरह मेंशन किए गए थे। तो स्पेसिफिकेशन से लिखा गया जो स्पीकर है वो है आपको 3 इंच के 10 वाट RMS के है, और जो ऊपर आपको मिलता है वो आपको मिलता है 20 वाट RMS का, जो कि 4 इंच का और सामने में प्लेस किया गया। सामने की तरफ देखे तो ऊपर में आपको डिस्प्ले मिल जाता है, साथ में मोड का बटन दिया गया, आप इनपुट वगैरह चेंज कर सकते हो, नेक्स्ट प्रीवियस दिया गया, वॉल्यूम को प्लस कम ज्यादा कर सकते हो, साथ में आपको प्ले पॉज का बटन दिया गया और नीचे में आपको ऊपर मिल जाता है 4 इंच का। और ऊपर की तरफ देखे तो यहाँ पे आपको मिलता है USB और SD कार्ड का स्लॉट, और पीछे की तरफ देखे तो आपको स्पीकर्स के आउटपुट के लिए वायर्स दिए गए, वायर लगाने की पोर्ट दी गई है, साथ में आपको इनपुट की पोर्ट दी गई, ऑक्सिलरी की FM की वायर भी लगा दी गई है, और यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का स्विच मिलता है। जो बॉडी है वो है आपको वुडन कैबिनेट की, तो ये काफी बढ़िया बात है, और हाई ग्लोसी फिनिश है, काफी ग्लोसी भी है सामने का लुक, तो मस्त लग रहा है। बात करें अगर रिमोट की तो रिमोट में आपको बहुत सारे बटन्स मिले हैं, जैसे बेस का कम ज्यादा कर सकते हो, -7 से +7 तक कर सकते हो, ट्रेबल को -7 से -7 तक कर सकते हो, वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो, यहाँ से मेनू सेलेक्ट कर सकते हो, नंबरिंग्स दिए गए, म्यूट का बटन दिया गया है, और FM ट्यूनिंग वगैरह कर सकते हो, तो ये काफी अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो बैटरी है यार वो आपको घड़ी टाइप की होती है, जो छोटे से मेरे को पता नहीं स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, वो घड़ी वाली जो बैटरी होती है वो है। तो यहाँ पे पहले आप इसको जो प्लास्टिक है उसको निकाल ले तो ये रिमोट काम करने लगेगा। तो चलिए कुछ गाने लेते हैं, देखते हैं इसकी साउंड कैसी है और क्या ये प्रोडक्ट सही रहेगा अगर आपका बजट है 2500 के आसपास। तो जैसे कि आप लोगों ने इसकी साउंड सुनने का सबसे पहले बात करें इसके लाउडनेस की, तो लाउडनेस सिस्टम की अच्छी है। अगर आपका रूम 10-10 का है या 10-12 तक का है तो जो लाउडनेस है वो काफी अच्छी है। हालांकि आप अगर यहाँ पे ट्रेबल को बढ़ा लेते हो तो जो लाउडनेस वो थोड़ी सी और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वोकल्स जो है वो थोड़े से ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। बट क्या है, जैसे ही आप ट्रेबल को बढ़ाते हो, ट्रेबल यहाँ पे +7 तक है, -7 से लेकर +7 तक, तो जब +7 पे रखते हो जो ट्रेबल आएगी, जो वोकल्स होंगे वो थोड़े से ज्यादा हाई नोट्स को हो जाते हैं, और जिससे वो कानों में लगते हैं वो आप ज्यादा देर तक सुन नहीं पाओगे। बट क्या है, अगर ट्रेबल को आप इसको 3 पे रखते हो या 2-3 पे रखते हो, और अगर 0 पे रखते हो तो काफी बेहतर साउंड मिलेगी, बट अगर 2-3 तक भी रखते हो तो जो क्लैरिटी मिल रही है वो काफी अच्छी है, क्लियर है, सब कुछ बढ़िया है, वोकल्स वगैरह भी काफी अच्छे समझ में आ रहे हैं। तो ट्रेबल आपको 0 पे रखना पड़ेगा या तो 2-3 पे रखना पड़ेगा, अगर 7 पे रखते हो तो अच्छा लगेगा बट आप ज्यादातर तक उस साउंड को सुन नहीं पाओगे, मजा नहीं आएगा वो। और यहाँ पे क्या, उस समय क्या होता है ट्रेबल जब बढ़ा देते हो ना तो जो बेस इफेक्ट है वो आपको ज्यादा मतलब फील नहीं होती, अच्छी नहीं लगती, बट जब भी आप ट्रेबल को 0 या 2-3 पे तक रखते हो तो जो बेस का इफेक्ट भी है वो आपको सुनाई देगा और मस्त मजा भी आएगा। तो बात करें अगर बेस क्वालिटी की तो बेस ठीक ठाक है यार, अगर बजट है 2500 के आसपास तो आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते बेस के लिए, बस इसकी बेस अच्छी है, काफी मजा है सुन के, और एक डिसेंट बेस है, मतलब बहुत ही हेवी नहीं है और बहुत ज्यादा कम नहीं है, एक मीडियम रेंज में है। तो काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी काफी मस्त मिल जाती है, ट्रेबल को कम ज्यादा कर सकते हो तो आपको क्लैरिटी अच्छी रहेगी, जिस तरह से आपको पसंद है उस तरह से आप सुन सकते हो। इसको -7 पे ले जाते हो तो कुछ वोकल्स वगैरह बहुत ही कम हो जाएंगे, उसे बेस सुनाई देगा, तो ये काफी अच्छी बात है कि ट्रेबल कंट्रोल आपको मिल जाता है यहाँ पे, और बेस भी तो मस्त ही है, लाउडनेस भी ठीक ठाक है, अगर 10 का रूम है तो काफी अच्छी है, और इसको ज्यादातर आप डेस्क पे रखोगे या थोड़े से दूर पे रखोगे तो भी ठीक है, काफी अच्छी है साउंड इसकी। तो अगर आपका बजट है 2500 के आसपास और आपको पसंद है आईबॉल का होम थिएटर 2.1 तो आप इसको जोर से ले सकते हो, काफी बढ़िया प्रोडक्ट है, काफी अच्छा माल है, सही माल सही दाम सब कुछ अच्छा है। तो ये थे मेरे आपको अनबॉक्सिंग और साउंड टेस्ट आईबॉल के लायन बीटी की, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको जोर से लाइक और शेयर करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता दी।